से बोलना है। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है दिल्ली सल्तनत। तो बच्चों ये पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हमने सिक्स्थ में पढ़ा था हिस्ट्री में, थोड़ा सा मैं उसको आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। जैसा कि हमने सिक्स्थ में पढ़ा था, जाना था, देखा था कि हिस्ट्री के तीन पार्ट्स होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो बच्चों सिक्स्थ क्लास में जो हमने पढ़ा था वो एंशियंट हिस्ट्री थी। हम अभी जो पढ़ने वाले हैं, इस मतलब आप कह सकते हैं सेवन्थ क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री में बच्चों हम देखेंगे एडवेंट ऑफ इस्लाम, कैसे इस्लाम हमारे देश में आया, हमलावर थे और कैसे उन्होंने हमारे देश पे कब्ज़ा किया और लगभग 1007 साल तक यहाँ पे शासन किया, रूल किया। शुरू हम करेंगे बच्चों मौर्यन या गुप्त डायनेस्टी जो थी हमारी, वो जब उनका जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ गुप्त डायनेस्टी का, उसके बाद आए राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन को लास्ट रिकग्नाइज्ड रूलर, हिंदू रूलर के तौर पे माना जाता है। उनके बाद कोई ऐसा बड़ा राजा नहीं आ पाया जो पूरे देश को जोड़ के रख सके। छोटे मोटे बहुत सारे अलग अलग राजा थे, लेकिन कोई एक ऐसा बड़ा राजा नहीं था जो देश को एक साथ जोड़ के रख सके। उस कंडीशन में दोस्तों सिंध पे अटैक किया, पॉज करते, 768 एडी में इंडिया पे सिंध प्रांत पे अटैक हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 768 एडी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे अटैक किया और कब्ज़ा किया, उसके बाद लगभग 300 सालों तक गुर्जर प्रतिहार, ये एक क्लैन था एक्चुअली, तो इस क्लैन के जो राजा थे उन्होंने अफ़गानिस्तान से किसी भी मुस्लिम राजा को भारत में एंटर होने नहीं दिया। गुर्जर प्रतिहार, ये नाम आपको याद रखना है बच्चों। और उसके 300 साल बाद मोहम्मद गजनी, या आप कह सकते हैं महमूद गजनी, महमूद उसका नाम था और गजनी उस जगह का नाम था जहाँ से वो आते थे, तो उनको कहा जाता था महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी को ये पता चला कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास असीमित रिसोर्स हैं, खजाने हैं और लोग हैं। महमूद गजनी ने इंडिया पे हमला करना शुरू किया। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि महमूद गजनी ने भारत पे 17 टाइम्स अटैक किया, 17 बार, और यहाँ के बेशकीमती खजानों को लूट के अफ़गानिस्तान गजनी ले गया। आगे भी और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम आज यहीं रुकते हैं, आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।